हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर बोल सकते हो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हमने शुरू की हुई है अपनी फोर्थ यूनिट बेंडिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्स। अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी, हमने बात की थी जो कैंटिलीवर बीम होता है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर पॉइंट लोड लगता है, उसके रिगार्डिंग हमने बात की थी, उसके न्यूमेरिकल्स, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी कैंटिलीवर बीम से रिगार्डिंग, तो हमने बात की थी। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के ऊपर जब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करते हैं तो उस दौरान हमारा शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार तैयार होता है, इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि कैंटिलीवर बीम होता है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर सिंपल सपोर्टेड जब लोड अप्लाई करते हैं तो उस दौरान हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या किए थे, ड्रॉ किए थे। आज जो हम न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं वो हमारा न्यूमेरिकल क्या है कि हमें दिया हुआ है एक कैंटिलीवर बीम, हमें क्या है एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, हमें क्या है ए कैंटिलीवर बीम, हमें क्या है कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम, हमें क्या कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 7 मीटर। लेंथ कितनी है कैंटिलीवर बीम है, बीम की लेंथ दी हुई है 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर हमें क्या दी हुई है लेंथ दी है। इज लोडेड बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन मीटर, और हमें 2 किलो न्यूटन मीटर लोड दिया गया है। ये है लोड, कौन सा यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये कौन सा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। हमें यूनिफॉर्मली 2 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या दिया हुआ है, लोड दिया है ऑफ 2 किलोमीटर, 2 पॉइंट लोड है 5 किलोन्यूटन एंड 4 किलोमीटर। हमें दो क्या दिए हैं पॉइंट लोड, दो हमें पॉइंट लोड दिए हैं, एक है 5 किलोन्यूटन और दूसरा है 4 किलोन्यूटन। हमें क्या है दो पॉइंट लोड दिए हुए हैं, एक 5 किलोन्यूटन है, एक है 4 किलोन्यूटन। ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हमने क्या करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या करना है ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। हमने क्या करना है, हमें क्या है इस न्यूमेरिकल में कैंटिलीवर बीम है, बीम की जो लेंथ है वो है 7 मीटर, यानी कि हमें क्या है इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक हमें कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। आपको पता है कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड जो बीम का होता है वो क्या होता है फ्री होता है। कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या होता है, एक एंड तो हमारा फिक्स होता है, दूसरा एंड जो बीम का होता है वो क्या होता है फ्री होता है। तो हमें कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है कितने मीटर, 7 मीटर, हमने लिखा है ना ऊपर कि हमें एक 7 मीटर लॉन्ग यानी कि 7 मीटर लंबा हमें एक बीम दिया हुआ है कैंटिलीवर, जिसके ऊपर सबसे पहले तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है 2 किलोन्यूटन का, 2 किलोन्यूटन का क्या लग रहा है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है इस तरह से, इसके ऊपर क्या है 2 किलोन्यूटन का क्या लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये कितना है 2 किलोन्यूटन मीटर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि इसके ऊपर पॉइंट लोड है 5 किलोन्यूटन और 4 किलोन्यूटन का, 4 किलोन्यूटन और 5 किलोन्यूटन का इसके ऊपर क्या लोड लग रहा है, एक लोड है यहां पे 4 किलोन्यूटन और एक लोड मान लीजिए यहां पे लग रहा है 5 किलोन्यूटन का, कि दो लोड लग रहे हैं, एक 4 किलोमीटर का और एक लगा है लोड जो 5 किलोमीटर का, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा यहां से दूरी है 4 और ये वाला डिस्टेंस है ये कितना है 3, 4 मीटर और 3 मीटर, ठीक है, 4 मीटर और 3 मीटर हमें डिस्टेंस दे दिया। अब हम इसके अंदर निकालेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, सबसे पहले तो वैल्यू निकालेंगे कि शियर फोर्स की वैल्यू, ये हमारा मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ए बी और सी, ए पॉइंट बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे वैल्यूज निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे कि हमारी शियर फोर्स बी पॉइंट पे क्या है, सी पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट के बाद, फिर हम बात करेंगे बेंडिंग मूवमेंट की, हमारे बी पे सी पे और ए पे बेंडिंग मूवमेंट क्या है, उसके बाद हम शियर फोर्स का और बेंडिंग मूवमेंट दोनों का क्या करेंगे डायग्राम तैयार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं शियर फोर्स निकालते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले शियर फोर्स, शियर फोर्स एट पॉइंट, सबसे पहले हम निकालेंगे बी पॉइंट पे,
शियर फोर्स एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे जो हमारी शियर फोर्स है वो कितनी है 4 किलो न्यूटन, तो हमारी शियर फोर्स कितनी आ जाएगी 4 किलो न्यूटन। फिर हम बात करेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी कि हमारा जो सी पॉइंट है सी पॉइंट पे शियर फोर्स कितनी है, तो देखो सी पे कितनी है 4, ऊपर कितना है सबसे पहले सी यहां तक देखनी है, तो यहां तक देखने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो 4 प्लस में क्या हो जाएगा नीचे हमारे पास कितनी है 3 ऊपर हमें जो ये देखिए ये 3 और जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है वो कितना है वो है 2 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे जब शियर फोर्स निकालेंगे सॉरी सी पॉइंट पे तो 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि जो लोड है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2 तो कितना हो गया 6 और 4 10 तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 किलो न्यूटन। इसी प्रकार निकाल लेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी, ठीक है ये तो हमने ये हमने राइट हैंड साइड पे निकाल लिया, ठीक है अभी हम प्रॉपर निकाल लेंगे जस्ट निकाला है तो शियर फोर्स एट पॉइंट अगर सी पे फिर से बात करें ठीक है सी पे तो कितना होगा देखो सबसे पहले 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 यहां तक तो हमने बात की थी लेकिन अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे प्लस में सी जो सी पे भी हमारा लोड है यहां तक तो हमने बात की थी हमने क्या किया सिंपल बी पे जो लोड था वो लोड मल्टीप्लाई में हमने क्या किया 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2 जो यूनिफॉर्म लोड लग रहा है। अब हम सी पे देखो एक और लोड है 5 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड तो हम क्या करेंगे 4 प्लस में 3 2 जस्ट सिंपल इस तरह से लिख सकते हो 10 प्लस में 5 तो ये हमारा आ जाएगा 15 किलो न्यूटन, ठीक है 15 किलो न्यूटन। अब हम निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए तो ए पॉइंट पे देखो हमारी शियर फोर्स क्या होगी, शियर फोर्स क्या होगी सबसे पहले तो 4 प्लस में हो गया मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहां तक तो सी तक का तो 3 से मल्टीप्लाई किया था लेकिन अब हमारी क्या है ए तक हमने देखना है तो 4 मल्टीप्लाई में होगा 7 ठीक है 4 प्लस में मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 ठीक है 2 कहां से आया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है हमारे पास 2 तो 7 को हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसके बाद 4 की हो गई 7 हो गया 2 हो गया उसके बाद सी पे कितना लोड है सी पे लोड है हमारा 5 तो प्लस में हम क्या कर देंगे 5 ठीक है प्लस में 5 तो हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस में 7 को 2 से किया 14 प्लस में 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 किलो न्यूटन तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 किलो न्यूटन। तो ये हमने सबसे पहले निकाला शियर फोर्स, ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की। तो शियर फोर्स में देखो हमने क्या किया राइट हैंड साइड से जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट बी पे, तो बी पे पॉइंट कितना आएगा लोड आएगा जो हमारा शियर फोर्स होगी बी पॉइंट पे आ जाएगी हमारी 4 किलो न्यूटन, बी पे कितनी आ जाएगी 4 किलो न्यूटन। उसके बाद बात करेंगे हम सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट यानी कि यहां तक देखने के लिए हम क्या करेंगे 4 है 4 प्लस में 3 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से प्लस में क्या होगा प्लस में आ जाएगा अपना 5 क्योंकि पॉइंट लोड लग रहा है 5 सी पे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट ए पे बात करेंगे तो ए यहां पर है तो यानी कि पूरे को कवर करेंगे तो 4 को 4 प्लस में होगा 7 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 2 है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में सी पे कितना है 5 इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 किलो न्यूटन पॉइंट किस पे शियर फोर्स एट पॉइंट ए। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे कि सबसे पहले बी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है जो हमारा बी पॉइंट है ना बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है तो बी पॉइंट पे हमेशा जब हम शुरू करते हैं तो राइट हैंड साइड से तो क्या होगा बी पॉइंट पे 0 बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। अब हम बात करेंगे सी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है तो सी पॉइंट पे देखो सबसे पहले ऊपर पॉइंट पे कितना लग रहा है ये है सी पॉइंट पे यानी कि यहां से देखेंगे इस साइड से तो ये होगा -4। आपको पता है जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि माइनस में ऊपर
हम बात करेंगे जब शेयर फोर्स की तो पॉजिटिव में, तो माइनस फोर मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा थ्री, ठीक है, माइनस फोर मल्टीप्लाई में थ्री प्लस, ठीक है, प्लस में क्या आएगा, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यानी कि दो मल्टीप्लाई तीन, दो मल्टीप्लाई में तीन, दो मल्टीप्लाई में तीन और थ्री बाई टू। अब देखो ये थ्री बाई टू कहां से आया, थ्री बाई टू यानी कि ये हमारा यहां तक हमने काउंट कर रहे हैं, हम ले रहे हैं यहां तक की वैल्यू, ये हमारी लेंथ कितनी है तीन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है पूरी पे लग रहा है यानी कि इसके हाफ हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा, तो ये हमारा सी पॉइंट पे देखो कितना आ जाएगा, चार तीन बारह, चार को तीन से करेंगे बारह प्लस दो और तीन छह मल्टीप्लाई थ्री बाई टू, तो ये कटेगा यानी कि तीन, तो हमारे पास कितना बचेगा बारह प्लस में, ये माइनस में है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा माइनस में, ये भी क्या माइनस आएगा यहाँ पे माइनस में, तो माइनस में ये हमारे पास आ जाएगा नौ, तीन को तीन से करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना होगा नाइन, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बारह और नौ को हम जोड़ेंगे तो माइनस 21 किलोन्यूटन मीटर, किलोन्यूटन मीटर। इसी प्रकार हम पॉइंट सी पे निकाल चुके हैं, अब हम बात करेंगे पॉइंट ए पे, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए। क्या आप देखो ए पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, ए पॉइंट पे, तो ए पे कितना करेंगे, सबसे पहले कितना है उस साइड चार, माइनस फोर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा सेवन, क्योंकि जब हम यहां तक देख रहे थे सी पॉइंट पे तो हमने काउंट करना था सिर्फ इतनी वैल्यू तक, तीन था हमारा लेकिन चार को तीन से किया था, अब हम कल देख रहे हैं पूरा ए तक, तो चार मल्टीप्लाई में कितना होगा सात, चार मल्टीप्लाई में आ जाएगा सेवन, माइनस सेवन माइनस, उसके बाद अपने पास लोड कितना है फाइव, मल्टीप्लाई कितना है फोर, पांच ये वाला पांच मल्टीप्लाई में फोर, माइनस टू मल्टीप्लाई सेवन, जैसे हमने यहां किया था टू मल्टीप्लाई थ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये हमारी टोटल लेंथ, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा सेवन बाय टू, हमारे मल्टीपल में क्या हो जाएगा सेवन बाय टू। अब देखो ये वाला सेवन टू कैसे आया, जब हम यहां तक वैल्यू कर रहे थे तो हमने थ्री को टू से डिवाइड कर दिया, तो पूरी लेंथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट पूरी लेंथ पे यानी कि तीन पे, तो तीन को हमने दो से डिवाइड किया, जब हम ए तक देखेंगे तो हम सेवन को डिवाइड कर देंगे टू के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो हमारे पास लोड आएगा वो आएगा 97 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमने बात की अभी तक शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की, अपने जितने भी पॉइंट थे यानी कि ए बी सी पॉइंट पे, एक बार फिर से देखो स्टार्टिंग में, फिर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, शेयर फोर्स सबसे पहले निकाली बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट में शेयर फोर्स क्या आएगी 4 किलो न्यूटन, जब हम बात करेंगे सी पॉइंट पे तो सी पॉइंट पे हमारी शेयर फोर्स कितनी होगी 4 प्लस में क्या होगा 3 मल्टीप्लाई में 2, ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि पूरी लेंथ पे लग रहा है, जितनी हमारी टोटल लेंथ है 7 पूरी लेंथ पे लग रहा है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं इस तरफ का, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन, लेकिन हमारे पास सी पे भी कितना है एक और पॉइंट लोड दिया है कितना 5 किलो न्यूटन, उसको हम ऐड कर देंगे टोटल आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। फिर हम बात करेंगे जब ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे कितना होगा 4 प्लस में 7, 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो यहां से अपना शेयर फोर्स आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बेंडिंग मूवमेंट की, हमारे बी पॉइंट पे 0 होगा, जब हम सी पॉइंट पे बात करेंगे बेंडिंग मूवमेंट की तो सी पॉइंट पे कैसे हो जाएगा, सी पॉइंट पे देखो 4 मल्टीप्लाई में 3, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सी पे निकलेगा। इसी प्रकार जब हम ए पे देखेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 7 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और 7 बटे करेंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ए पे बेंडिंग मूवमेंट, तो हमारे पॉइंट ए पे आ जाएगा बेंडिंग मूवमेंट, तो ये हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। अब हम निकालते हैं जो मेन है यानी कि इसका शेयर फोर्स का और बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम, इसको एक बार अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम बनाते हैं बेंडिंग मूवमेंट, इसको ऊपर तक कर लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या था, एक कैंटिलीवर बीम था, इस तरफ कैंटिलीवर बीम, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, यहां पे हमारा क्या था मान लीजिए सी पॉइंट, ठीक है, 5 किलो न्यूटन लोड लगा था,
यहां पे हमारे पास कितना था 4 किलो न्यूटन और इसके ऊपर क्या था डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये हमारा क्या था डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये कितना था 2 किलो न्यूटन मीटर और टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ थी हमारी 7 मीटर, यहां तक की लेंथ हमें कितनी दी हुई है ये हमारी थी 4 मीटर और ये वाली लेंथ जो हमें दी है ये हमारे पास है 3 मीटर, ठीक है ये हमने डायग्राम कर लिया। अब हम बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा शियर फोर्स डायग्राम, हम क्या तैयार करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ऊपर की तरफ बनेगा तो हम बनाते हैं सबसे पहले एक लेंथ यानी बीम के हिसाब से ए पॉइंट और ये हमारा है बी पॉइंट। तो देखो हमारा जो बी पॉइंट है बी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आया है 4 किलो न्यूटन, बी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना है 4 किलो न्यूटन यानी कि इसको ऐसे उठा देंगे 4 किलो न्यूटन तक, ये हमारा कितना आ गया 4 किलो न्यूटन, ये हमारा शियर फोर्स कितनी आ गई 4 किलो न्यूटन। उसके बाद जब हम बात करेंगे सी पॉइंट पे, हमारे सी पॉइंट पे तो सी पॉइंट पे हमारी कितनी है 15 किलो न्यूटन, हमारा सी पॉइंट पे कितना आया है 15 किलो न्यूटन और जो हमारा ए पॉइंट है ए पॉइंट पे हमारा कितना है 23 किलो न्यूटन, हमारा कितना आया है 23 किलो न्यूटन, तो ये हमारा क्या है 5 किलो न्यूटन यानी कि हम इसको देखो यहां से कितना आया है ये 23 किलो न्यूटन, ये हमारा यहां तक है 23, ये हमारा यहां तक है 23 किलो न्यूटन, ठीक है। और सी पॉइंट पे हमारा कितना है, सी पॉइंट पे हमारा जो आया है वो है 15 किलो न्यूटन और जो हमारा डिस्टेंस यानी कि जो लोड है वो कितना है 5 किलो न्यूटन, तो हम इसको मान लीजिए हमारा 15 आ जाएगा यहां तक, ये सी पॉइंट है तो यहां तक मान लीजिए 15, तो ये क्या आएगा एक तरह से पैराबोलिक जैसा हमारा इस तरफ से, ठीक है और फिर ये कितना है 5 नीचे है, ठीक है और फिर ये आएगा इस तरह से मान लीजिए यहां पर, ठीक है इस तरह से, तो ऐसे हमारा डायग्राम बनेगा, इस चीज का डायग्राम बनेगा, ये हमारा बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, ये हमारा कौन सा बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, ये हमारा होगा शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम ये हमारा मान लीजिए यहां पे कितना है ये हमारा है 5 किलो न्यूटन क्योंकि लोड है तो 5 किलो न्यूटन है 4 किलो न्यूटन है, ये हमारा ए पॉइंट है ये हमारा पॉइंट कौन सा है सी पॉजिटिव की तरफ, तो इस तरह से हमारा बनेगा शियर फोर्स का डायग्राम, इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा शियर फोर्स का डायग्राम। अब हम तैयार करते हैं हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, अब हम बनाएंगे हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है ये तो हमारा क्या हुआ शियर फोर्स डायग्राम, इसी प्रकार हमारा बनेगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जस्ट उसमें क्या होगा वो नीचे यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, उस पर भी हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बना लेंगे ये हमारी ए और बी क्या है हमारी एक लेंथ है B पॉइंट पे और A पॉइंट पे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे A पॉइंट पे जो हमारे A पॉइंट है तो A पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना है जो बेंडिंग मोमेंट सॉरी A पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है 97 और B पे कितना है 0 यानी कि जहां से शुरू होगी और इस पे कितना है 97 मान लीजिए यहां पे आ गया 97, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब C पॉइंट पे, तो C पॉइंट पे है 21 मान लीजिए ये हमारा C पॉइंट है तो C पॉइंट पे आ गया यहां पे 21, तो ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी पैराबोलिक, ठीक है जैसा पैराबोलिक बनाते हैं हम, ठीक है इस तरह से, ठीक है इस तरह से क्या हो जाएगी एक पैराबोलिक सी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा C पॉइंट है इस तरह से इंक्लाइन सी, ठीक है पैराबोलिक, ठीक है स्केल से खाओगे तो प्रॉपर बनेगी, स्केल से जब हम तैयार करोगे तो ठीक है प्रॉपरली तैयार हो जाएगी इक्वेशन से, ठीक है इस तरह से कैसे होगी, ठीक है इस तरह से तैयार होगी इक्वेशन, ठीक है ये हमारा पॉइंट आ जाएगा बी पॉइंट, ठीक है ये बी पॉइंट हो गया, यहां पे हमारा पॉइंट आ जाएगा सी और ये हमारा पॉइंट क्या है ए पॉइंट, ठीक है ये हमारा पॉइंट क्या है ए पॉइंट, ठीक है इस तरह से क्या होगा हमारा बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम भी क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा बेंडिंग मूवमेंट माइनस बी, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम, ये हमारा कौन सा है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इस तरफ ये कितना है 97, ये हमारी जो लेंथ है ये कितनी है 97 किलो न्यूटन मीटर, 97 किलो न्यूटन मीटर। तो एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया, हमने
एक कैंटिलीवर हमसे क्या पूछा गया था, हमने हमें दिया गया कि एक कैंटिलीवर बीम है आपके पास, उसकी लेंथ हमें दे दी 7 मीटर और उसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे दिया हमें 2 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके ऊपर दो पॉइंट लोड लगे हुए हैं, एक 5 किलो न्यूटन का, एक 4 किलो न्यूटन का। आपने ड्रॉ करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले शियर फोर्स निकालेंगे हर पॉइंट पे, यानी कि बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे। फिर उसी तरह हम निकालेंगे अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो बेंडिंग मूवमेंट जब हम निकालेंगे अपने पॉइंट बी पे, तो बी पे इस साइड से देखेंगे तो बी पे कितना आएगा 0। फिर हम सी पे निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे ए पे। ठीक है, ये हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट निकल गया। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमें कितना दिया है, जो लोड लग रहा है वो कितना है 4 किलो न्यूटन है। ठीक है, 4 किलो न्यूटन है। उसके बाद हम बात करेंगे सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना है टोटल 15 किलो न्यूटन, यानी कि ये सी पॉइंट, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना है, ए पॉइंट हमारा है 23, तो ये नीचे की तरफ, यानी कि सी हमारा 15 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वो कितना डाउन है नीचे, यानी कि उस पर लोड कितना लगा है 5 किलो न्यूटन का, तो 5 किलो न्यूटन ऊपर चला जाएगा, ये 15 पॉइंट आ जाएगा, 5 ऊपर चला गया, तो ये हमारा 23 क्या आ जाएगा ए बी और सी पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स आएगा। इसी तरह हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना लेंगे। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले बी पॉइंट पे, बी पॉइंट में हमारा बेंडिंग मूवमेंट कितना है 0। फिर हम बात करेंगे सी पॉइंट पे, सी पॉइंट में हमारा बेंडिंग मूवमेंट कितना है 21। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे ए पॉइंट पे 97। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में। ठीक है, इसी बीम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी क्या है, इसी तरह से कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, लेकिन क्या है वो एक साइड पे लगा हुआ, मान लीजिए इस पे तो पूरा है, लेकिन हम जो आगे न्यूमेरिकल करेंगे एक साइड पे है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे सिंपल सपोर्टेड बीम के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के आगे और न्यूमेरिकल्स के बारे में।